फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको ये तीन बातें बताऊंगी जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ अपने घर पे। प्लीज़ फ्रेंड्स, एक बार करके देखना, अगर अच्छा ना हुआ तो मुझे बताना, क्योंकि ये तीनों चीज़ें घर में रहते हम लोग डेली करते। जो पहला वाला पॉइंट है यही है, मैं सूर्य देवता का डेली सुबह पानी चढ़ाती हूँ। एक पॉइंट हो गया, याद से रखना फ्रेंड्स, ध्यान रखना। और ये चीज़ एकदम जो सामने वाला दरवाज़ा होता है उसी दरवाजे को जैसे हम लोग पहले ओपन करेंगे, मतलब दरवाज़ा खुलेंगे तभी ओ कितने भी बजे, सुबह 6 बजे हो, 5 बजे हो, 8 बजे हो, 10 बजे हो, टाइमिंग मेंशन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम पहले वाला दरवाज़ा खोलेंगे तभी दरवाजे के पास एकदम राइट साइड में ज़रूर पानी डालना। और जो सेकंड पॉइंट मैं बोल रही हूँ वो है अग्नि देवता का प्रणाम करना। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही चूल्हा जलाया सुबह में ही एकदम फर्स्ट टाइम, तो मैंने अग्नि देवता का प्रणाम किया। क्यों किया फ्रेंड्स? इसके पीछे कारण है, अग्नि देवता घर में ऑल टाइम शांत रखता है, अग्नि का प्रकोप कम रखता है और गैस कभी भी घर से ख़त्म नहीं होगा। कभी कभी होता है ना, खाना बनाने के टाइम गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, दिन भर कैसे रहे, बहुत कष्ट करके एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, एक बार करके देखिए। इसमें तो पैसा तो नहीं लगता है ना फ्रेंड्स, हम लोग मानते हैं तो बहुत कुछ है, अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो भगवान भी नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? आशा रखते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ ब्यूटीफुल लाइफ सुप्रिया के एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज है संडे, रविवार, तो आज का जो मैं तीन टिप्स बताऊंगी बहुत ही लाभदायक है। प्लीज़ फ्रेंड्स, एक बार घर पे ट्राई करना, अगर फल ना मिले तो मुझे बताना। मैं डेली ये तीन चीज़ अप्लाई करती हूँ। बहुत किसी ने ब्लॉग में देखे होंगे, मुझे एक जन ने पूछा भी, दीदी आप ऐसे क्यों करते हो? तो मैं आज पूरा डिटेल्स में बता देती हूँ। तो जो भी हो, मैं अभी पी रही हूँ गुनगुना पानी, चाय मैंने बिठा दिया, थोड़ा टाइम के बाद मैं चाय लेके आती हूँ। और आज बहुत दिन के बाद मैं और मेरे पतिदेव एक साथ बैठ के चाय पियेंगे। पतिदेव का तो बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन मैं बोली थोड़ा सा चाय पी लो, इसमें कुछ हर्ज नहीं होगा, तो इसकी वजह से मैं चाय लेके अभी आ जाती हूँ। मेरा और मेरा पतिदेव का चाय पीना कंप्लीट हो गया, अभी मैं आ गई किचन में। मैं सोची पहले बर्तन रख देती हूँ, फिर बाकी के काम कर लूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स बर्तन अगर बास्केट से खाली हो जाता है ना, मतलब काम बहुत कम हो जाता है, नहीं तो बर्तन भी सामने हो तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो जो भी हो, बर्तन रखने के बाद मैं ना सबसे पहले चावल बिठा दूँगी, क्योंकि मुझे खुद को ही पता नहीं आज मैं क्या क्या बनाऊँगी, लेकिन इतना पता है गर्मी का टाइम है मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाऊँगी। चिकन तो बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि 2 दिन पहले हम लोगों ने चिकन खाया, तो मैंने चावल बिठा दिया। जैसे मैं चावल बिठाने के लिए आ गई, मेरे बच्चे आ गए, बोले मम्मा भूख लग गए, तो मैं बोली क्या खाना है, बोले नहीं घर पे तो ब्रेड है, तो मैं चीज़ ब्रेड बना लेती हूँ। मैं बोली ठीक है, दोनों मिलके चीज़ ब्रेड बना लो। तो दोनों बहन आ गए, चीज़ ब्रेड और बटर का क्या टोस्ट बनाएगा वही बनाने के लिए। जो भी है फ्रेंड्स, ये चीज़ ना मेरे दोनों बच्चों को अच्छा करके बनाना आता है। दोनों बच्चों का नाश्ता मैंने दे दिया, अभी मैं आ गई दाल बिठाने के लिए, क्योंकि दाल ना कंपलसरी हो गए अभी गर्मी के टाइम तो है। तो मैं सोची थोड़ा सा आम दाल भी बना लेती हूँ, और आप सबको तो पता ही है हम चारों मेंबर का ना आम दाल बहुत अच्छा लगता है। आम दाल के साथ मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पापड़ फ्राई भी कर लूँगी। तो एक साइड का चूल्हा में चावल बिठा दिया, दूसरे साइड के चूल्हा में मैं दाल भी बॉयल करने के लिए बिठा देती हूँ। दोनों बच्चों का ब्रेकफास्ट हो गया, थोड़ा सा टेंशन में फ्री हो गई, लेकिन मेरा पतिदेव का ब्रेकफास्ट बाकी है। तो मैं पूछी तुम क्या खाओगे, मुझे बोला मुझे 2 ब्रेड दे दो और उसके साथ मुझे श्रीखंड दे दो, मैं वही खा लूँगी, बहुत दिन से श्रीखंड खाई नहीं हूँ। मैं बोली चलो अच्छी बात है, मतलब फ्रेंड्स आज दिन थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि ना आज ना कुछ भी बनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा सुबह के टाइम। जो भी हो, मुझे तो सुबह में ब्रेकफास्ट खाने का इतना मन नहीं है, अगर ज़रूरत लगेगा तो एक कप चाय के साथ 2 बिस्किट खा लूँगी, मेरा पेट भर जाएगा। सचमुच बात बोल रही हूँ फ्रेंड्स, अभी ना मुझे थोड़ा सा शांति लग रही है, क्योंकि सुबह तीनों मेंबर ने ब्रेकफास्ट कर लिया, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाता है मेरा, क्योंकि कोई बोलता है ये बना दो वो बना दो, खाना बनाना और फिर ब्रेकफास्ट बनाना दोनों ना बहुत टफ हो जाता है। तो जो भी हो, वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो जीवन का एक पार्ट है। तो उधर का काम तो मेरा हो गया, अभी मैं आ गई सब्जी काटने के लिए, लेकिन मैं सोची पहले क्या सब्जी बनाऊँ, फिर सोची पालक ख़राब हो रहा है, आम दाल तो बना ही रही हूँ, उसके साथ पालक की सब्ज़ी बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं तीन टिप्स आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो 2 टिप्स तो मैंने पहले ही बोल दिया, और एक टिप्स बाकी है वो भी मैं दिखाऊंगी आप सबको। क्यों मैं शेयर कर रही हूँ, इसके पीछे जो कारण है वो बता देती हूँ। मुझे लग रहा था मुझे तो थोड़ा बहुत लाभ हुआ है, क्यों ना मैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी ये बार शेयर कर लेती हूँ।
सब्जी काटना पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि आज तो मैं ज़्यादा सब्जी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ पालक बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी और पापड़ फ्राई। तो मैं देखा चावल का उबाल आ गया, तो चावल भी लगभग बन ही गया। अब इधर कुकर में मैं दाल बिठा दिया, तो कुकर का एक सीटी में दाल भी पक जाएगा। ज़्यादा टाइम आज मुझे बिल्कुल नहीं लगेगा। मेरा उंगली में तो पेन है फ्रेंड्स, तो जो भी कर रही हूँ ना, पेन तो थोड़ा बहुत हो ही रहा है, लेकिन क्या करूँ, पेन हो जो हो काम तो करना ही पड़ेगा। कौन करके देगा, कौन खाना मुँह के पास लाके देगा फ्रेंड्स, ये तो पॉसिबल तो नहीं है। इधर तो मेरा घर का कोई नहीं है ना, ये सब चीज़ होते हैं अपने माँ बाप के पास, और किधर भी नहीं होगा दुनिया में, ये मेरे मानना है। तो जो भी हो, मैं देखिए माइक्रोवेव का अंदर बहुत सारा गंदा हो गया, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों ने ब्रेड बनाया था ना, वो चीज़ा ब्रेड, तो अभी मैं अगर क्लीन करके नहीं रखूँगी ना, तो कैसा काला काला फंगस हो जाता है। तो उससे अच्छा है मैं पहले क्लीन करके रखती हूँ, तो बाद में अच्छा करके बनाने के टाइम कोई दिक्कत नहीं होगा। सच पूछिए तो फ्रेंड्स, मेरा उंगली में थोड़ा पेन है ना, इसकी वजह से मैं शॉर्टकट का खाना आज बना रही हूँ, क्योंकि कुछ भी करूँगी ना तो दिक्कत तो मुझे ही होगा। इसीलिए मैं सोची जितना कम हो सके उतना जल्दी जल्दी मैं काम कर लूँगी, तो हाथों का पेन भी जल्दी ठीक हो जाएगा। जो भी हो, दाल तो बॉईल हो गया। अभी दाल को तड़का लगाने के लिए मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ एक बार देख लीजिए। सरसों, एक सूखा मिर्ची और थोड़ा सा पाँच फ़ोरन। तो इससे क्या होता है ना, दाल का मतलब खट्टा दाल का स्मेल अच्छा आता है। दाल बनके भी पूरा रेडी हो गया आज, एकदम सिंपल सा खाना, जल्दी जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं है। बहुत दिन हो गया फ्रेंड्स, मैंने मेरे दोनों बच्चों का सर पे बिल्कुल तेल नहीं लगाया। ये दोनों बोलते नहीं मम्मा, तेल लगाने से गर्मी ज़्यादा लगता है। तो जो भी हो, तेल तो लगाना ही पड़ता है ना, हफ्ते में एक दिन। तो मैं आज दोनों को अच्छा करके तेल लगाऊंगी, जो भी हो तेल तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाल ख़राब हो जाएगा। तो मैं आगे पहले छोटी गुड़िया को तेल लगाने के लिए, इसका तेल लगाने के बाद में फिर बड़ी गुड़िया को मैं ज़बरदस्ती लेके आऊंगी तेल लगाने के लिए, क्योंकि वो तो तेल लगाने के लिए हमेशा बोलते नहीं मम्मा तेल नहीं लगाना, तेल नहीं लगाना, नहीं तो अमित मैं तो लगाऊँगी तो ज़रूर। अभी हम तीनों मेंबर ना तीनों तीनों को तेल लगाएंगे। तो मैं पूछी मेरे सर पे कौन तेल लगा देगा, तो छोटी गुड़िया बोली मैं लगा दूँगी, बड़ी गुड़िया बोली मैं लगा दूँगी। यही बात पे दोनों पे लड़ाई शुरू हो गया। तब मैं बोली नहीं, मैं खुद ही लगा लूँगी। तेल लगाना कंप्लीट हो गया, फिर से मैं आ गई किचन में। अभी मैं सोची सब काम जब हो ही गया, मैं पापड़ फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा करके पापड़ फ्राई करूँगी, क्योंकि ये वाला पापड़ ना मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है, इसकी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा ही पापड़ फ्राई करूँगी आज। अभी फ्रेंड्स, मैं और एक चीज़ लेके आई हूँ खाने के लिए, इस साल का पहले ऐसा चीज़ है, मतलब हर बार ऐसा मिलता नहीं है, लेकिन इस साल में मिला है। कच्चा आम में काटने के लिए गई ना दाल में डालने के लिए, तो मैंने देखा एक आम पक गया, लेकिन मैंने थोड़ा सा मुंह में डाल के देखा, ये आम बहुत मीठा है, कड़क है लेकिन मीठा वाला लाल लाल आम। तो मैं सोची मैं दोनों बच्चों के साथ ये आम शेयर करके खाऊँगी, और बच्चों को भी पता लगेगा कच्चा आम हमेशा खट्टा नहीं होता है, मीठा भी होता है, इसका कलर भी होता है। तो अभी हम तीनों मिलके बैठ गए ये वाला आम खाने के लिए। मेरे बच्चे खा रहे और बोले मम्मा बहुत यम्मी है, और है क्या घर पे? तो मैं बोली और नहीं है, फिर पकेगा तो मैं फिर लूँगी और फिर काटूँगी। उससे मेरे हाथों में पेन हुआ है ना फ्रेंड्स, मैं बहुत कम कम काम ही कर रही हूँ, आप सबको देख के समझ में आ ही रहा है, क्योंकि मैं जितना भी काम करूं मेरा हाथ में दर्द ही हो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूं, हाथ को अलग अलग मतलब धीरे धीरे करके रख के मैं कर रही हूं, हाथों में ज़्यादा पेन ना हो ऐसा करके मैं काम कर रही हूं। तो क्योंकि अगर पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेडिसिन खाना पड़ेगा, फिर से डॉक्टर दिखाना पड़ेगा, उससे बेटर है धीरे धीरे काम करूँ तो सही हो जाएगा जल्दी से। किचन का लगभग सब काम हो गया, खाना बनाना हो गया, बर्तन हो गया, गैस पोछा पोछी हो गया, सब हो गया, सब झाड़ू पोछा बाकी है। तो मैं सोची सबसे पहले मैं बाहर का झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि आज ना फ्रेंड्स मैं बाहर झाड़ू नहीं लगाई, कल भी नहीं लगाई थी, अच्छा ही नहीं लग रहा था, तो मैं सोची आज लगा देती हूँ और एक बार पोछा भी लगा देती हूँ। तो बाहर करने के बाद भी मैं देख रही हूँ दरवाजे में ना थोड़ा थोड़ा कैसा गंदा गंदा दिख रहा है, दीवार के ऊपर कैसा जाली जैसा लग रहा है, तो ये दोनों भी मैं क्लीन करने के लिए आ गई। बाहर का काम हो जाने के बाद घर का काम करने के लिए फिर से मैं आ गई, क्योंकि घर का झाड़ू पोछा तो हुआ नहीं था, तो पहले ना बाहर करने सबसे बेटर होता है फ्रेंड्स, नहीं तो बाहर का धूल मिट्टी तो घर के अंदर आ जाता है। घर में तो हम लोग दो मिनट बाद भी झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन बाहर से अगर धूल मिट्टी आएगा ना तो बार बार गंदा हो जाता है। तो इसके लिए मैं पहले बाहर करती हूँ, फिर उसके बाद मैं घर में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। उंगली में दर्द की वजह से ना मैं बहुत दिन योगा ही नहीं कर पाई, क्योंकि योगा करने के लिए हाथ का तो सपोर्ट चाहिए ना फ्रेंड्स,
और कुछ मतलब 2-3 दिन के बाद से मैं पट्टी भी खोल दूँगी, योगा करना भी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि योगा ना करूँ ना तो कैसे लगता है। तो जो भी हो, सामने का घर भी धीरे धीरे करके क्लीन हो गया। और मेरी बड़ी गुड़िया बोली, मम्मा मैं सोफ़ा क्लीन कर देती हूँ। तो दोनों मिलके मिलजुल के कर रहे, तो फटाफट हो जाएगा। नहाना हो गया, अभी मैं आगे पूजा करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं अभी 3rd टिप्स दिखा रही हूँ, देख लीजिए ध्यान से। मेरे हाथ में एक तांबे का छोटा सा पॉट, वो पानी भरती है, उसके ऊपर एक फूल भी मैंने दिया। और अभी मैं रखूँगी दरवाजे का एकदम कोने में, घर के अंदर। और जब रखूँगी उसके नीचे रहेगा चावल। बहुत किसी ने नोटिस किए होंगे फ्रेंड्स, और ये रखने से क्या होता है, घर से ना कभी भी अन्न का दाना ख़त्म नहीं होता है, भरपूर रहते अन्न। जो भी हो, उधर मैंने पॉट रख दिया। अभी मैं आ गई घर के अंदर भगवान का पूजा करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले मैं बाहर दरवाजे में लोटा रखती हूँ, उसके बाद ही मैं आती हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो थोड़ा टाइम के बाद मेरा पूजा करना भी ख़त्म हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा लगभग आधा काम ख़त्म हो गया, पूजा भी देना हो गया। अभी हम आ गए चारों मेंबर खाने के लिए। तो मैं आज खाने में क्या क्या बने एक बार देख लीजिए। आम दाल, चावल, पापड़ फ्राई और पालक साग। एकदम सिंपल सा खाना, जल्दी जल्दी हजम हो जाएगा। रात में देखूंगी क्या बनाना पड़ेगा, तो वही मैं रात का मतलब पेट देख के बनाऊंगी, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, तो इसकी वजह से रात में हो सके तो मैं अंडा बना लूँगी। तो जो भी हो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा आज दोपहर की थाली। खाना खाने के बाद हम तीनों मेंबर आ गए सोफे में। क्यों आए फ्रेंड्स, हम तीनों को अभी मूवी देखना है। मैं मेरे बच्चों को बोल रही हूँ, बहुत दिन हो गया एक बेंगुली मूवी नहीं देखा, मैं बेंगुली मूवी चला लेती हूँ। बोली, नहीं मम्मा अभी कार्टून देखना है, आप हम दोनों के साथ कार्टून देखो। और मेरे पतिदेव आज छुट्टी का दिन है बोल के खाने के बाद तुरंत चले गए सोने के लिए। जो भी हो, मैं मेरे दोनों बच्चों के साथ थोड़ा सा कार्टून देख लेती हूँ। फ्रेंड्स, आज सुबह से लेके अभी 2:30 बज गए, तो आज का ब्लॉग मैं इतना ही बनाऊंगी, क्योंकि एक फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, दीदी आप सुबह से लेके 2:00 तक का एक ब्लॉग बनाइए। तो वो फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट में ही मैं आज का मेरा ये स्पेशल ब्लॉग बनाई और सबके लिए बनाई। फोन आना भी शुरू हो गया, हेलो मोटो। तो जो भी हो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग आज इधर ही एंडिंग कर रही हूँ। मेरे ब्लॉग अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर देना, थोड़ा अच्छा लगे तो कमेंट्स में लिखना, ज़्यादा अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ कल का नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड आफ्टरनून, बाय।